हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी दही तड़का की रेसिपी। तो दोस्तों ना, ये दही तड़का खाने में बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो दोस्तों, दही तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 kg दही। अब हम लेंगे एक टोप, टोप के ऊपर रखेंगे एक छन्नी, छन्नी के ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे दही। तो दोस्तों, कपड़े पे मैंने दही इसलिए डाला कि दही का पानी ना अच्छे से निकल जाए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 1/2 घंटा हो गया है, तो दही का पानी अच्छे से निकल गया है। अब इसे ना ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। दही का पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसे ना शाम को हम कढ़ी में यूज करेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और हरी मिर्च। इन सबको हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई पहले से रख दिया था। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे जीरा और कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। साथ ही में डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। प्याज को ना थोड़ा सा सुनहरा होने तक इसे भी भून लेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें डाल देंगे कटा हुआ कड़ी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से वापस मिक्स करेंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे मिक्स करेंगे। ढककर इसे लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने देंगे। एक मिनट के बाद इसमें हम वापस डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए। और इन सबको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना।
तो यहाँ पे सारे मसाले ना अच्छी तरह से पक गए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे हम ग्राइंड किया हुआ दही। दही डालने के बाद वापस मिक्स करेंगे। साथ ही में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी दही तड़का बनकर रेडी है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, गर्मी में सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो ये बहुत जल्दी से बन भी जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।